हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एमएससी मैथमेटिक्स इंडस्ट्री पेपर तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए है। लेट एफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर स्क्वायर, एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0। इस फंक्शन से आर में एक डिफाइन फंक्शन है, गिवन वाई फंक्शन जो है एक्स टू पावर 1/3, वाई टू पावर -4/3, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस 1/√x2+y2, देन द वैल्यू ऑफ जी एक्स वाई एक्स एफ एक्स एक्स वाई प्लस वाई एफ वाई एक्स वाई और अपॉन एफ एक्स वाई, चेंज विद एक्स बट नॉट विद वाई, चेंज विद वाई बट नॉट एक्स, चेंज विद एक्स एंड विद वाई आल्सो, आइदर नाइदर चेंज विद एक्स नॉर विद वाई। तो फिर ये क्वेश्चन है हमारे पास, यानी कि इसमें हमारे पास मोस्टली पूछा क्या गया है, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और वैल्यू पुट करके वैल्यू चेक करनी है, वो चेंज होती या नहीं होती, किस तरह की वैल्यू आती है, उसके नेचर क्या होता है। तो इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये फंक्शन है। पहले हम निकालते हैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव एफ एक्स निकालते हैं, यानी पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये निकालते हैं, तो यहां से हमारे पास पहले इसका कर रहे हैं, तो इसका करेंगे तो पहले इस टर्म का करेंगे, इसको छोड़ देंगे, तो इसका क्या तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 आगे एक्स टू दी पावर 1 -1/3, तो ये हो जाएगा 2/3 1 -1/3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/3 -1, तो यहां से -2/3 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास, और ये हो गया वाई टू दी पावर -4/3, ये कॉन्स्टेंट रहेगा वाई, तो ये हो गया एंड टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये आ गया जो हमने एक्स टू दी पावर 1/3 का किया, तो 1/3 आ गया और ये टर्म प्लस। अब हम इसका करेंगे tan इनवर्स y अपॉन x और इसको छोड़ के, तो हो जाएगा x टू द पावर 1/3 y टू द पावर -4/3। tan इनवर्स का क्या होता है, tan इनवर्स x का अगर हम देखें, tan इनवर्स x का होता है 1/1+x2, तो ये हमारे पास y अपॉन x है, तो इसका हो जाएगा 1/1, तो 1/1 को लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 1+y2/x2। अगर हम इसको सॉल्व करके लिखें तो इसको लिख सकते हैं हम एलसीएम लेके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई और जो नीचे एक्स स्क्वायर आएगा उसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो गया। अब हमें वाई अपॉन एक्स का भी करना है, तो वाई अपॉन एक्स करेंगे तो वाई तो ऐसा कॉन्स्टेंट रहेगा वाई, और जब एक्स करेंगे तो 1/x करेंगे, यानी वाई अपॉन एक्स करेंगे वाई का तो कॉन्स्टेंट रहेगा, 1/x करना है हमें, तो वाई अपॉन एक्स का -x2, 1/x होता है -1/x2 डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो यहां से हमारे पास ये आ गया। और अब ये टर्म भी है फ्रेंड्स हमारे पास, ये टर्म है, इसका करते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा प्लस, इसका करेंगे तो ये हमारे पास बेसिकली इस तरह से लिख सकते हैं, हमारे पास एक्स टू द पावर इसको मैं लिखना चाह रहा हूं पूरा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द पावर -1/2 लिख सकते हैं, -1/2 आ जाएगा, तो -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -3/2 हो जाएगा, तो यहां से हम ये हो जाएगा, और उसके बाद हमें एक्स स्क्वायर करना है तो 2x, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहां से हम लिख सकते हैं इसको 2x/2 माइनस का, और ये नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ये आ गया फ्रेंड्स हमारे पास। तो अगर हम इसको और इजी फॉर्म में लिखना चाहें तो एफ एक्स को लिख सकते हैं, हम एफ एक्स को लिख सकते हैं, यहां से हम कुछ चेंज करना चाहते हैं, यहां से तो हम कुछ चेंज कर नहीं रहे, तो हो जाएगा 1/3 एक्स टू द पावर -2/3 वाई टू द पावर -4/3 टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये हो गया। और बेसिकली हमें चाहिए क्या, एक्स डॉट एक्स का मल्टीप्लाई हम यहां कर ही लेते हैं, क्योंकि हमें ये भी चाहिए, तो x का मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, अभी नहीं कर रहे बाद में करेंगे, पहले इसको हम और इजी फॉर्म में लिख लेते हैं प्लस, ये हो जाएगा। अब यहां पे देखें तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ये कट गया, तो हमारे पास और यहां से अगर y और इसको देखें y की पावर -4/3 और y की पावर 1, तो ये y की पावर 1/3 ले जाएगा माइनस का, तो x टू द पावर 1/3 y टू द पावर -1/3 अपॉन, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में ये माइनस साइन, तो ये माइनस साइन है तो यहां पे माइनस साइन आ जाएगा,
ये हो गया हमारे पास, और जब ये हो गया तो हमारे पास लास्ट टर्म ये थी, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये माइनस, ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास एफ एक्स बराबर आ गया। अब हमें निकालना है एक्स डॉट एफ एक्स, ये निकालेंगे, पर पहले हम एफ वाई निकाल लेते हैं। यहां से अगर एफ वाई निकालना चाहे तो यहां से हम एफ वाई बराबर, पहले हम इसका कर रहे हैं, तो ये हो गया एक्स टू दावर 1/3, वाई टू दावर -4/3 का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -4/3 आगे आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4/3 एक्स टू दावर 1/3, वाई टू दावर -4/3 -1, तो हो जाएगा वाई टू दावर -7/3, ये हो गया। और ये टेन इनवर्स y अपॉन x, ये हो गया जब हमने इसका किया, इसको छोड़ के। अब हम जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस x टू दी पावर 1/3 y टू दी पावर -4/3, इसका करेंगे तो पहले की तरह ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डॉट x स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। अब जब इसका करेंगे y अपॉन x का, तो x तो ऐसा कॉन्स्टेंट ट्रीट करेगा, तो ये हमारे पास x आ जाएगा, y का बना जाएगा, ये हो गया हमारे पास बाइक बना जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें, ये हो गया फ्रेंड्स। अब जब ये हो गया तो अब हमें इसका करना है, इसका करेंगे तो बेसिकली जो पहले क्या था सिंपली उसी की तरह होगा, और इसका आ जाएगा वाई अपॉन माइनस के साइन के साथ, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो जैसे एक्स का किया था उसी तरह से यहाँ वाई का आ गया, ये आ गया हमारे पास। अब अगर इसमें हम देखें तो एक्स से एक्स कट जाएगा, ये कट गया, और x का इसका मल्टीप्लाई देखे तो ये हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी पावर 4/3 हो जाएगा, ये हमारे पास ये टर्म आ चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं इस फंक्शन में, हम एफ एक्स में तो हमें x का मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें हम x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे तो इसमें मल्टीप्लाई होगा, हर टर्म में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो ये एक्स टू पावर -2/3 और इसकी पावर 1 रेड होगा, तो एक्स टू पावर -2/3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स टू पावर 1/3, इसको लिख सकते हैं एक्स टू पावर 1/3, जब एक्स का मल्टीप्लाई किया, और जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी हमारे पास ऐड होके ये 1/3 प्लस 1 4/3 हो जाएगा, और जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया फ्रेंड्स हमारे पास। अब इसमें हमें वाई का मल्टीप्लाई करना है, वाई डॉट एफ वाई, तो इसमें वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे 1 ऐड होगा, तो ये वाई टू दी पावर 4/3 रह जाएगा। अब इसमें करेंगे तो इसमें भी 1 ऐड होगा, तो ये हमारे पास 1/3 रह जाएगा, और अब इसमें करेंगे तो ये वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को हमें सम करना है, तो इन दोनों का जब सम करते हैं तो सम करने पे कुछ टर्म कटेंगी या कुछ टर्म जुड़ेंगी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या टर्म कटती है क्या टर्म जुड़ती है। तो ये यहाँ पे 1/3 एक्स टू दी पावर 1/3 वाई टू दी पावर -4/3 टेन इनवर्स y अपॉन x, और यहाँ पे क्या है -4/3 x टू पावर 1/3 y टू पावर -4/3 tan इनवर्स y अपॉन x, तो ये हमारे पास जब सम कर रहे हैं तो हमारे पास जी एक्स वाई हो जाएगा, ये जी एक्स वाई ये वाला सम, तो ये हो जाएगा हमारे पास बेसिकली ये चीज देख रहे हैं, अभी हम ये नहीं देख रहे, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास अभी सम देख रहे हैं, तो हम ये वाली डिवाइड नहीं कर रहे, अभी हम सम कर रहे हैं, तो ये -4/3 और 1/3 इन दोनों का सम होगा, तो ये हो जाएगा माइनस और ओनली 1 रह जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स टू दी पावर सॉरी माइनस संख्या, तो इस टर्म इन दोनों टर्म का संख्या, तो माइनस एक्स टू दी पावर 1/3 वाई टू दी पावर -4/3 टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, ये हो गया। अब फिर सेकंड टर्म को देखते हैं, एक्स स्क्वायर 4/3 वाई टू पावर -1/3 और एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव साइन, पॉजिटिव नेगेटिव साइन, तो कट जाएंगे, तो इससे ये कट गया। अब इसको देखते हैं, तो इसको देखते हैं हमारे पास वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, बस ये अंतर है, तो इसको सम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, क्योंकि दोनों में माइनस है तो माइनस बाहर ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2, ये हो गया। अब फिर अगर इसको देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 है और यहाँ 3/2 है, तो इसको हम यहां से डिवाइड करना चाहें तो इसको हटा के
ये तो वन रह जाएगा और ये पावर वन बाई टू हो जाएगी, ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, इसमें से और इसमें से, तो माइनस कॉमन ले लिया हमने सपोज यहां तो यहां प्लस आ जाएगा, ये हो गया। अब ये क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर वन बाई थ्री बाई टू पर माइनस फोर बाई थ्री टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स ये टर्म प्लस वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये टर्म। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वल टू एफ एक्स वाई। फ्रेंड्स ये हमारे पास एफ एक्स वाई है। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये टर्म इन दोनों का सम अपॉन एफ एक्स वाई, और साथ में माइनस साइन दिया यहाँ पे माइनस का साइन, तो ये हो गया हमारे पास। ये तो हमारे पास सिंपली इन दोनों का सम था, यानी वाई एफ वाई प्लस एक्स एफ एक्स बराबर था। अब हमें इसमें डिवाइड करना है, तो जी एक्स वाई जो है वो है वाई एफ वाई प्लस एक्स जी एक्स एफ एक्स, यानी कि ये टर्म एक्स एफ एक्स ये और वाई जी वाई ये अपॉन एफ एक्स वाई। अगर आप ये डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आया माइनस एफ एक्स वाई ये टर्म, तो और ये हमारे पास एफ एक्स वाई, तो ये आ गया हमारे पास माइनस वन। तो जी एक्स वाई बराबर जो आ गया था वो आया हमारे पास माइनस वन। अब माइनस वन एक ऐसा नंबर है जो तो ना तो एक्स के चेंज होने पर चेंज होता है ना वाई के चेंज होने पर चेंज होता है। तो इस कंडीशन में कहेंगे कि जो ऑप्शन डी था कि नाइदर नाइदर विद एक्स नॉर विद वाई, तो ये किसी के साथ भी चेंज नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।